आज ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक साइड पे मरियम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर के मुंह फाड़ फाड़ के ये बोलती हैं, अस्मा बखारी भी मुंह फाड़ फाड़ के बोलती हैं कि पंजाब कॉलेज में कोई स्कैंडल हुआ ही नहीं, कोई वाकया पेश ही नहीं आया। दूसरी साइड पे इन्हीं का लगाया गया वजीर तालीम इस सारी चीज़ को एक्सपोज करता है और बेनकाब करके रख देता है। अब जरा उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। इनका बयान सामने आया है, पंजाब के वजीर तालीम है ये। आज ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ। और अगर इस प्रिंसिपल ने, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिस तरह हमें पता चला है कि उन्होंने वो वीडियो एविडेंस डिलीट किए और बेसमेंट के सारे कैमरे जो पिक्चर्स थी और बेसमेंट के कैमरे उतार दिए, वो डिलीट किए बेटा। तो इंशाल्लाह, और आप सब जितने भी बच्चे हो, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी अपनी स्टूडेंट लाइफ याद है। सर, हम सब ने अपनी बहनों के राइट्स के लिए जरूर खड़े सो व्यूअर्स, आपने सुना, इस वीडियो को सोशल मीडिया पे खूब फैलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वजीर तालीम ने यह बयान दिया है कि प्रिंसिपल ने पहले वीडियो डिलीट करवाई, उसके बाद कैमरास वगैरह यहाँ के ऑफ करवाए गए। इस तरीके से इन्होंने हर चीज़ को एक्सपोज किया, लेकिन मरियम नवाज़ हैं तो डटी हुई हैं और उनकी हुकूमत है न जाने किसकी पुश्त पनाही करने में मशगूल है। क्या एक सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की पुश्त पनाही की जा रही है? आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए आज की वीडियो, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।